भारत रूस से तेल के साथ साथ हथियार भी खरीदता है। भारत ने रूस से 28,000 करोड़ के हथियार खरीदे थे, लेकिन जंग की वजह से कड़े प्रतिबंध लगे और भारत रूस को बकाए का भुगतान नहीं कर पाया। लेकिन भारत ने इसका रास्ता तलाश लिया है। रूस को अमेरिकी डॉलर की जगह दुबई की करेंसी दिरहम में भारत पे कर रहा है। लेकिन दिरहम ही क्यों चुना भारत ने भुगतान के लिए, और क्यों सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही होता है वैश्विक व्यापार, आइए जानते हैं इसकी वजह। दरअसल 1944 से पहले ज्यादातर देश सोने को बेहतर मानक मानते थे और उसी से व्यापार किया जाता था। उन देशों की सरकारें वादा करती थी कि वो उनकी मुद्रा को सोने की मांग के मूल्य के आधार पर तय करेंगे। साल 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ, जिसके बाद डॉलर की मजबूती की शुरुआत हुई। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौते में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में दुनिया के सभी विकसित देश एक साथ शामिल हुए। उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी मुद्राओं की विनिमय दर को तय किया। उस वक्त अमेरिका वो देश था जिसके पास दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार था। ब्रेटन वुड्स समझौते ने अन्य देशों को भी सोने की जगह अपनी मुद्रा का डॉलर को समर्थन करने की अनुमति दी। वहीं साल 1970 की शुरुआत में एक बार फिर से कई देशों ने डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें मुद्रा स्फीति से लड़ने की जरूरत थी। लेकिन तब तक डॉलर दुनिया की सबसे खास सुरक्षित मुद्रा बन चुका था। अब दूसरे सवाल का जवाब कि क्यों भारत ने रूस को भुगतान के लिए दिरहम ही चुना। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद G7 देश और उनके सहयोगियों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाया है। इस प्रतिबंध के कारण कई देश तेल आयात करने के लिए मॉस्को से दूर रहे, जिसके परिणाम स्वरूप रूसी कच्चे तेल की हाजिर कीमतों में अन्य ग्रेड के मुकाबले काफी डिस्काउंट आया। इसी का फायदा भारत को मिला और भारतीय रिफाइनर ने अच्छे डिस्काउंट पर तेल खरीदा। ऐसे में भारत ने रूस के साथ व्यापार करने और तेल के अलावा हथियार की कीमत चुकाने के लिए वैकल्पिक करेंसी का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ दुबई खुद को तटस्थ कहता है। संयुक्त अरब अमीरात ने रूस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और भारत के लिए इस वक्त डॉलर की बजाय दिरहम में भुगतान करना आसान हो जाता है।